शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना ने आज 30 साल पूरे कर लिए, लेकिन क्या आपको पता है उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने शाहरुख खान को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये फिल्म पहले उनको ऑफर नहीं हुई थी, वो मेकर्स के दूसरी पसंद थे। शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना पहले अरमान कोहली को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में अरमान कोहली ने फिल्म छोड़ दी और रोल शाहरुख खान को मिल गया। बाजीगर, फिल्म बाजीगर पहले अरमान कोहली को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसमें काम नहीं किया और ये फिल्म शाहरुख खान को मिल गई। बाजीगर मैं बाजीगर। फिल्म चक दे इंडिया पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी। सलमान अपनी कमर्शियल सिनेमा की छवि के साथ कोई प्रयोग नहीं करना चाहते थे, बाद में फिल्म शाहरुख खान को मिला। फिल्म डर में पहले राहुल रॉय शाहरुख खान वाले रोल में नजर आने वाले थे, लेकिन रोल शाहरुख खान को मिला। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म ने शाहरुख खान को बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि पहले ये फिल्म आमिर खान को ऑफर हुई थी। स्वदेश, आशुतोष ग्वारीकर इस फिल्म में आमिर खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन आमिर को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी, तो रोल शाहरुख खान को मिल गया।